नमस्कार दोस्तों, हिरन अनबॉक्सिंग के आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त मेरे पास से फ्लिपकार्ट से लिया हुआ एक सैंडविच मेकर जो कि मेरे पास ही है, जस्ट अभी अभी ये पार्सल डिलीवर हुआ है और जो पैकेजिंग है काफ़ी अच्छा है और प्राइस जो है इसका सैंडविच मेकर का इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है। तो वैसे ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। तो चलो इसका फटाफट जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया से थर्मोकॉल के बीच में जो है सैंडविच मेकर को दिया गया है। तो ये पैकेट खाली है, इसको मैं साइड कर देता हूँ और ये थर्मोकॉल भी साइड कर देता हूँ। ये दिया हुआ है सैंडविच मैनुअल दिया हुआ है एक, और इसी में शायद वारंटी भी है नहीं है, इसमें केवल मैनुअल है कि आप कैसे यूज़ करते हो। तो आप इसको पढ़ लेना यूज़ करने से पहले, और जिनको पता है यूज़ करना जिनको पता है तो ठीक है। और जो वेट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा वेट है, तकरीबन 1 kg से ज़्यादा है शायद, और अगर यहाँ पे लिखा है तो मैं आपको बता दूँगा। तो वैसे इसका 230 वोल्ट है और 750 वाट है और 50 हर्ट्ज है और ग्रिल सैंडविच टोस्टर है इस फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का। तो मटेरियल जो है ना दोस्तों वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी मतलब लाइट वेट नहीं है, काफ़ी बढ़िया है उसका वेट। और जो इसका तार है उसका लेंथ भी मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये तकरीबन 1/2 meter से ज़्यादा ही है, तो ठीक है आप इसको लगा सकते हो प्लग में और किचन में जो है बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। तो फ्रंट का लुक जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है फ्रंट लुक और सिस्टम है वो यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे दिया हुआ इसको मैंने अप किया और ये रहा इसका। तो दोस्तों इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है कुछ, तो क्योंकि हम इसमें ग्रिल करेंगे तो ये चीज़ जो है गर्म हो जाता है और प्लेट को रखने के साथ साथ ये ऐसे गर्म हो जाता है। तो दोस्तों मैंने इसको जो है प्लग में लगा दिया है और अब देखते हैं इसको ऑन करके। तो यहाँ पे बताया गया था कि ये ऑटो कट होता है, तो जैसे कि ग्रीन लाइट और रेड लाइट आपको दिख रहा होगा, ऑफ़ करने से ये दोनों बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसको, तो ये लक्कीली मेरे पास एक ब्रेड था तो मैं इसको ब्रेड को यहाँ लगा देता हूँ और देखता हूँ कि ये कितने टाइम लेता है गर्म होने के लिए। सुना है मैंने कि ये पढ़ा था मतलब इसके बारे में कि ये ऑटो कट होता है, तो देखते हैं कि कब तक ये ऑटो कट हो जाता है और कौन सा सिग्नल मिलता है हमें, चलो देखते हैं। तो दोस्तों मैंने ना इसको 1 मिनट के अंदर ही मैंने इसको चेक किया था कि ये गर्म होता है कि नहीं होता, तो आप शायद धुआँ आपको दिख रहा होगा, तो ये काफ़ी गर्म है, आप टच भी नहीं कर सकते और काफ़ी सॉफ्ट हो गया है ये ब्रेड जो है ना। तो इससे हम बोल सकते हैं कि सैंडविच जो है ना हम इसको आराम से बना सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा भी है, यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे कि ये वाला चीज़ गर्म नहीं है तो हल्का सा लाइट गर्म होता है, यहाँ पे लिखा भी है ये सिग्नल दिया हुआ है तो हल्का सा गर्म है, लेकिन आप इसको देखो ये पूरा फाइबर बॉडी है ना तो आपको करंट का कोई टेंशन नहीं है, नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मत छूना क्योंकि ये थोड़ा मेटल टाइप का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए ये ग्रीन, ये देखिए आप अभी ग्रीन हट गया, अभी जैसे रिसेंटली हटा ये, तो इसका मतलब है कि ये ऑटो कट होता है। तो अगर ये ठंडा होता है तो आपको ग्रीन, अभी देखो रेड जल रहा है ना, तो यही है इसका यूज़ करने का तरीका कि अगर आप ऑटो कट हो जाता है मतलब गर्म हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है कट हो जाएगा ऑटो कट। और जब तक ये ठंडा नहीं होगा ना आपको टेंशन भी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये ऑन करने के बाद ना ये अपने आप जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक ये दोबारा ये ग्रीन लाइट नहीं जलेगा, जैसे हमारा प्रेस होता है ना ऑटो कट हो जाता है वैसा ही है ये भी। तो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, ज़्यादा मूव करने का ज़रूरत नहीं है इसको, नहीं तो ये ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो एक ही जगह में आप इसको स्टे कर देना मतलब स्टेबल कर देना तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और ये है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का प्रोडक्ट है। सो दोस्तों होप आपको आज का ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप अपने बच्चों के लिए या फिर अपने घर के लिए फैमिली के लिए लेना चाहते हो तो बेझिझक खबर ले सकते हो, प्राइस काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा बढ़िया है प्राइस। तो मुझे भी लेने का मन था तो मैंने ले लिया है, और साथ ही मैंने ये माइक्रोवेव भी मैंने लिया था आपका
फ्लिपकार्ट से लिया था, काफ़ी 2019 में लिया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा से चल रहा है। तो ऑनलाइन बहुत सारे प्रोडक्ट मैं लेता हूँ, हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, उनका रिव्यू करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको किसी के साथ आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो उसे शेयर करके आप पूछ सकते हो कि ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।